नमस्कार पाइसिस पाइसिस यानी मीन राशि, मैं सुरेश वो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 15 अगस्त से 22 अगस्त के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या। इसमें देखेंगे कि हम एक दूसरे के प्रति उनकी फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इसका जो गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है उन्होंने उनको बहुत दिया है, वो किसी दर्दनाक हादसे से अब भी गुजर रहे हैं। उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं कि जब से मतलब जितना उन पर बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो दर्दनाक हादसे से, किसी नेगेटिव थिंकिंग से वो अब भी गुजर रहे हैं, अभी परेशान, अभी दुखी हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं थ्री ऑफ सोर्स के आंखों के क्यों आया है, या इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो वो अपने लिए भी महसूस कर सकते हैं कि उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ मिला है अपने पर्सन की वजह से और उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए पहले। तो द सन, फेज ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से काफ़ी दुख मिला है, वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में, अभी भी वो जो उनका दिल है, जो मन है, जो हार्ट है, वो दुख रहा है। वो अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अब भी वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा एक ब्रेक देना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं और उन सिचुएशन से बहर निकलना चाहते हैं जो उन्हें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं। तो उन लोगों से, उन जगह से, उस सिचुएशन से, उन चीज़ों से बाहर जाकर इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो और इस रिश्ते में पुराने बैगेजेस को वो भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो यहीं पर रहेंगे तो परेशानी, दिक्कतों से घिरे रहेंगे। तो वो कुछ केसेस में इस रिश्ते से मूव ऑन करके एक दूसरे से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि उन्हें एक ब्रेक, एक हीलिंग, एक मेडिटेशन की ज़रूरत है और अपनी वाणी पर वो कंट्रोल करें, तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले। और वो उनसे इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने बच्चों अपने इनर चाइल्ड को जगाए और कुछ के, और बहुत जल्दी वो उनसे बच्चे भी चाहते हैं, ऐसा भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता दोबारा से बन जाता है तो बहुत जल्दी इस रिश्ते से बच्चे भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि जो पाइसिस हैं वो क्या अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, पाइसिस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, वो भी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन होते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, कि जो चीज़ें पाइसिस अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं वो खुद के लिए, खुद के पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं, जो उनके अपने लोग हैं उनके लिए भी सोच सकते हैं। तो इसको सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। वो महसूस कर रहे हैं कि जो पाइसिस हैं वो महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। वो उनके पास काफ़ी ऑप्शन है कि वो इस जो
इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, काफ़ी चीज़ों से चिपका हुआ चिपका जा रहा है कंट्रोल, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं उन्हें इस ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, उन सिचुएशन से जो बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं तो उन चीज़ों से बाहर निकलें वो, और ये ओवर थिंक करना बंद करें। भले ही उनके पास जब तक वो इस माया जाल में, इस भ्रम जाल में फंसे रहेंगे, एक मन एक विचार बना करके अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे, तब तक परेशानियां दिक्कतें आती रहेंगी। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन रिश्तों को, उन नातों को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को, उस जगह को, उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो उनके लिए काम ही नहीं कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, उन चीज़ों को बदल देना चाहिए। भले ही उन्हें उन चीज़ों को छोड़ने में दुख तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर यकीन मानिए अगर वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उन रिश्ते नातों को, उन लोगों को, उस जगह को, उन बातों को, उस जॉब बिजनेस करियर को जो उनके लिए काम कर ही नहीं रही हैं, तो वही चीज़ें आगे जाकर उनको एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत दे सकती है, आगे जाकर वही चीज़ें उनको खुशियाँ दे सकती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके, उन चीज़ों पर ओवर कंट्रोल ना करके, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने देना चाहिए। और वो इसमें चाहते हैं कि भले ही वो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, इस तरह से कि शायद वो एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं, इस तरह से उन्हें इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। या कुछ केसेस में वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि, या फिर उन्हें इस दोस्ती को, इस या इस रिलेशनशिप को भुला कर नए रास्ते की तरफ मुड़ना चाहिए, या जॉब बिजनेस करियर के बारे में सोचना चाहिए, या तो कंफ्यूज हैं वो, अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांग कर चाहते हैं कि अपने रास्ते आगे बढ़े, एक नए रास्ते की तरफ बिगनिंग शुरुआत करें। देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन इस रिश्ते को फ्रूटफुल होना देखना चाहते हैं, इस वो चाहते हैं कि अगर इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो आगे जाकर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिला सकता है, हर तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। तो पाइसिस आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, आपको गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जो पाइसिस हैं वो गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जो चीज़ चली गई है, जो समय चला गया, जो बीत गया, उन चीज़ों उस समय को जाने दें, उन बातों को जाने दें, और एक ज़्यादा जजमेंटल ना बने, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना करें, और एक इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, रिकॉन्सिलेशन करें। वो इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जो पहले रोमांस के दिन होते थे, खुशियों के दिन होते थे, उस पास्ट वाली हिस्ट्री को वो दोहराना चाहते हैं, पास्ट वाले पर्सन से मिलना चाहते हैं, उनके साथ घर बनना, घर बसना देखना चाहते हैं, करेज और हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि जब तक वो हिम्मत नहीं करेंगे, करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक इसमें कमिंग फॉर ईच अदर करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं, जो रोमांस के दिन होते थे, खुशियों के दिन होते थे, प्यार के दिन होते थे, तो गेट टुगेदर, एक फैमिली, एक परिवार, एक सब कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो एक कड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराए जो जो इस रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। तो देखते हैं कि जो पाइसिस हैं वो क्या चाहते हैं, पाइसिस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द टावर, वो चाहते हैं,
उनको लग रहा, वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बनाया कुछ ना कुछ बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन वो समय थोड़ा सा रिलैक्स हों, अपने आप को पेशेंस रखें, पेशेंट बने, धीरज के साथ थोड़ा सा इस समय को समय दे, वक्त दे। ये जो नेगेटिव टाइम चल रहा है, जो गलत समय चल रहा है, जो उनके फेवर में नहीं है, जो वो रोज़ सोच रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, उनके हक में नहीं है, तो अगर वो धीरज रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, शांति रखेंगे, तो कुछ ग्रह नक्षत्र हैं जो उनके फेवर में अब इस टाइम नहीं है। कुछ उनके कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत हो सकती हैं, कुछ कुछ तो ऐसे थोड़ा सा समय देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं, वो ऐसा वो चाहते हैं अपने पर्सन से। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि टावर के जरिए वो ऐसा क्यों चाहते हैं, द टावर के जरिए वो ऐसा क्यों चाहते हैं। द लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून। तो हालांकि इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन भी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इसमें दिखाई दे रही है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, टॉक्सिक बना रहा है, जहरीला बना रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके फेवर में है ही नहीं, जब से रिश्ता बनाए कुछ ना कुछ पनौती, कुछ ना कुछ बाधाएँ, कुछ ना कुछ चीज़ें, ग्रह नक्षत्र उनके चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, दुख परेशानी आ रही है, कुछ ना कुछ टूट फूट रहा, ख़त्म हो रहा, तो इस अननोन फियर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जब से रिश्ता बना है पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, वो इस दर्दनाक हादसे से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा पर्सन भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब से रिश्ता बना है वाद विवाद रहा है, स्ट्रेस रहा है, एंजाइटी रही है, कभी आना कभी जाना, कभी इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं, कभी अपना रहे हैं, तो सिचुएशन इस रिश्ते की ख़राब है, और कोई तीसरा पर्सन भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो इसलिए अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, अभी वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, वो इस रिश्ते को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस प्यार के भरोसे, उनको अगर थोड़ा सा इसमें प्यार भी दिखाई दे रहा, तो उसके साथ साथ उन्हें अट्रैक्शन, एडिक्शन भी दिखाई दे रही है। तो हालांकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको लग रहा है कि काफ़ी मार पिटाई तक इस रिश्ते से हो रही है, और अननोन फियर जो उन्हें डरा रहे हैं, पनौती उस रिश्ते में आती दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि दोबारा से रिश्ता वैसा ही नहीं ना हो जाए। तो अभी सिचुएशन सही नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए अभी वो इस रिश्ते से में वापस आने की नहीं सोच रहे हैं, अभी वो कोई एक्शन नहीं चाहते, कोई इस रिश्ते में मूव ऑन नहीं चाहते, अभी इस रिश्ते से वो मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि इन चीज़ों के लिए वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हो सकता है कि समय उनके फेवर में आ सकता है, पाइसिस के या उनके पर्सन के, देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो इसमें कोई एक जना हो सकता है पाइसिस या पाइसिस के पर्सन, पाइसिस के पर्सन फिर भी वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, परेशान है,
उनको समझ ही नहीं पा रहा, वो पा रहे हैं, वो दो राहे पर खड़े हुए हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े या समय के साथ, वक्त के साथ जो उनका भाग्य बदला है, समय बदल रहा है, उसके साथ वो चले, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, इसमें एक ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। और उन्होंने फिर भी जो पाइसिस के पर्सन हैं, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही उनके पर्सन उनसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है या हमारे फेवर में आ रहा है, तो हम उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। वो इसके साथ वो चाहते हैं कि इस एडिक्शंस को ख़त्म करके, इन परेशानियों को ख़त्म करके, इन बाधाओं को ख़त्म करके, जो एक मन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़े, वो इस रिश्ते में सोच लिया, ठान लिया कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय उनका साथ दे रहा है, समय का पहिया उनके साथ है, तो वो इन चीज़ों को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ईमानदारी लॉयल्टी और के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जब तक समय सही है, सही वक्त है, तो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि इसको व्यर्थ ना गंवाएं, वेस्ट ना करें, और इस में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा समय बार बार नहीं आता, अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। तो इस रिश्ते में उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है, भले ही ये डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से गुजर रहा, काफ़ी बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्यार प्रेम को देखते हुए समय का पहिया उनके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, तो वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि समय उनके फेवर में है, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके अगर वो इसको अच्छे समय में यूटिलाइज़ करेंगे, तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, तो इसका यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, सबसे पहले हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस बंधन से बाहर निकले। ठीक है, इस रिश्ते में स्ट्रेस रहा है, आपको परेशानी, दुख, तकलीफ हुई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढें, हल ढूंढें, ग्रोथ करें, अपने आप में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। जब आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, यूनिवर्स के भरोसे, आप भाग्य के भरोसे आप अपने आप को छोड़ देंगे, तो इस रिश्ते में आपको सक्सेसफुल, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विनिंग मिल सकती है, खुशियाँ मिल सकती हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक जो न्यू ब्रांड बिगनिंग हो रही है उस अगर उसको एक्सेप्ट करके उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप चलते हैं, तो काफ़ी खुशियाँ ये रिश्ता आपको दिला सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम आ सकता है इस रिश्ते में। तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, और अपना नज़रिया चेंज करें, अच्छे नज़रिए से दुनिया को देखें, अपना नज़रिया चेंज करें, या अच्छे नज़रिए से दुनिया के नज़र, दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखें, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर आ पाएंगे। तो इस यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलें और हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, और अपना नज़रिया चेंज करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसमें भले ही ये रिश्ता नेगेटिव फेज से गुजर रहा है, लेकिन अपने आप को हील करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं आप। तो पहले अपने मन को समझाएं, जो आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्ट को तकलीफ हो रही है, तो उसकी हील, उसके लिए आप हील करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी हीलर से मिलें, और जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो तब आप आगे बढ़ें लाइफ में।